आपने पढ़ा है क्लास 9th में ज्योग्राफी में कि अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है। आपने ये भी पढ़ा है कि अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो उस हिसाब से वेस्ट बंगाल का नंबर आता है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यूपी का नंबर आता है। तो यहां पर हम वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं। बोल रहा है व्हाट मेक्स वेस्ट बंगाल द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, स्टेट 3 रीजंस। बोलता है कि वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, उसके क्या कारण हैं और आपको 3 कारण बताने हैं। पहला, वेस्ट बंगाल रिसीव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी वर्षा होती है। द गंगा रिवर ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज इरीगेशन फैसिलिटीज, और गंगा नदी के कारण यहाँ पर सिंचाई सुविधा जो है वो बहुत अच्छी है। सिंचाई सुविधा बहुत अच्छी होगी तो जाहिर है उपज बहुत अच्छा होगा, और जो नदियां हैं वो नाव से आवागमन के साधन भी मुहैया कराएंगे। दिस एरिया इज फ्लैट, इलाका समतल है एंड हैज वेरी फर्टाइल अल्यूवल सॉइल्स, और यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। फर्टाइल की स्पेलिंग FERTILE, फर्टाइल, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, फर्टाइल FERTILE, फर्टाइल अल्यूवल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है। विच प्रोड्यूस अ लॉट टू सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा होता है जो एक बड़ी जनसंख्या का सपोर्ट कर सकता है। दीज आर मेनली एग्रो बेस्ड एंड मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे बहुत सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं, कृषि से संबंधित कारखाने हैं और मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज। आपको पता है कि इसी इलाके में जो है वो DVC है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, और भी बहुत तरह के मिनरल्स भी मिलते हैं, कोयला मिलता है, लोहा मिलता है। विच प्रोवाइड वर्क टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉफिटेबली काम धंधे में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या ज्यादा है।